Bark 20 series smartphones. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि पर नमन करने, प्रार्थना करने, आशीर्वाद मांगने के लिए यहाँ आया था अपने साथियों के साथ, थोड़ा नीचे रखिए भाई, हमारे माननीय विधायकों के साथ हमने बापू को हमेशा इसलिए याद किया कि उन्होंने अंग्रेजों के शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। क्यों लड़ी? क्योंकि उस वक्त बोलने की आजादी नहीं थी, स्वतंत्रता के साथ जीने की आजादी नहीं थी, और इसलिए बापू ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। आज आजादी के 77 साल के बाद ऐसी परिस्थिति इस देश में पैदा हो गई है। हम लोगों ने गांधी जी की समाधि पर यह प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हे राष्ट्रपिता जी, आप जहां कहीं भी हैं, इस सरकार को भी सन्मति दें, इस सरकार को भी सद्बुद्धि दें कि वो इस देश के लोगों की आजादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ, लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ खिलवाड़ करना बंद करे। आज जिस प्रकार से एक निर्वाचित मुख्यमंत्री, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया गया, ये तानाशाही की शुरुआत है। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को झारखंड में जेल में डाल दिया गया, और पता नहीं कितने विपक्षी मुख्यमंत्रियों के लोग पकड़ पकड़ के जेल में डालने की तैयारी कर रहे हैं। ये इस देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और इसलिए हम सबको मिलकर लड़ना है। ऐसा ही आशीर्वाद मांगने के लिए बापू की समाधि पर हम लोग आए थे। ठीक है।